आज के लेसन में हम प्री हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और बेसिकली ये समझेंगे कि कहाँ से इंडिया में ह्यूमन सेटलमेंट्स की शुरुआत हुई। इसके बाद फिर हम हड़प्पन एम्पायर तक सारी चीजों को कवर करेंगे, धीरे धीरे ये बेसिकली कवर होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स की। ह्यूमन सेटलमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ लोग रह रहे हैं, तो ये लोगों का रहना और इस प्रकार से ये जो जीवन है ये शुरू कैसे हुआ और कब हुआ, तो ये प्री हिस्टोरिक टाइम से हुआ है। अब जो प्री हिस्टोरिक टाइम हम कह रहे हैं, इसका हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी टाइम के बारे में कोई भी इतिहास अगर हमें जानना है तो उसके तीन सोर्सेज होते हैं। एक तो है मैन्युस्क्रिप्ट, दूसरा है इंस्क्रिप्शन और तीसरा है आर्कियोलॉजी। अब हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है तो मतलब मैन्युस्क्रिप्ट और हमारे पास इंस्क्रिप्शंस नहीं है, हमारे पास जो भी है वो है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। अब जो भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमें मिले हैं, वो जो फॉसिल्स हैं, जो टूल्स मिले हैं हमें, जो उनके घर हैं, वो सब देख करके हम एक अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ऐसे टाइम पर इस तरह से लोग रहा करते होंगे। अब उसमें हमारे पास क्या क्या है, एक तो स्टोन टूल्स तो है ही, साथ ही पॉटरी है, उनके द्वारा बनाए गए अलग अलग मूर्ति है और डिफरेंट मेटल के इम्प्लीमेंट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, तो जो भी उनकी कलाकृति थी वो सब इन सब चीजों में झलक रही है। अब इससे हम पता लगा पाएंगे कि कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, और जैसे धीरे धीरे हमें आर्कियोलॉजी की जो समझ है हमारी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग उनकी लाइफ को लेकर के भी बढ़ती जाती है, उनके कल्चर के बारे में भी उसी तरीके से हमें अच्छी अच्छी दूसरी नई बातें पता चलती रहती हैं। अब इंडिया के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है, इसे हम पहले तो आप ये समझिए कि बेसिकली ये दो तरह से होता है, दो पीरियड में है ये, एक तो है स्टोन एज और दूसरा है मेटल एज। ठीक है, तो स्टोन एज को पहले हम कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम मेटल एज पर आएंगे। अभी जो हम पढ़ेंगे वो स्टोन एज है, या फिर आप कह सकते हैं कि ओल्ड स्टोन एज, फिर मिडल स्टोन एज, फिर न्यू स्टोन एज, ऐसे ही आएगा। तो पहले हम शुरुआत करेंगे पेलियोलिथिक पीरियड से। पेलियोलिथिक, पेलियो का मतलब होता है पुराना और लिथिक का मतलब होता है पत्थर, तो पेलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज। इसके बाद आता है मिडल स्टोन एज यानी कि मीजोलिथिक, फिर है न्यूलिथिक, न्यू स्टोन एज। अब इन तीनों के बाद जो स्टोन एज है वो खत्म होगा और मेटल एज की शुरुआत हो जाएगी, लास्ट में हमारा मेटल एज आएगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। आज के लेसन में हम सिर्फ स्टोन एज को कवर करेंगे। अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो पीरियड है कि कहीं पे जैसे कि ओल्ड स्टोन एज चल रहा है, फिर कहीं मिडल स्टोन एज चल रहा है, थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक जैसा नहीं है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि अगर पंजाब में अभी ओल्ड स्टोन एज चल रहा है और बिहार में भी ओल्ड स्टोन एज चल रहा होगा, हो सकता है कि बिहार में मिडल स्टोन एज शुरू हो गया हो या न्यू स्टोन एज शुरू हो गया हो, यानी कि बेसिकली जो डेवलपमेंट है पूरे देश में, पूरे भारत में एक साथ एक जैसा नहीं हुआ, ये डेवलपमेंट कहीं पे बहुत ज्यादा था, कहीं पे बहुत कम था। जैसे कि आज हम देखते हैं, आज जितने भी राज्य हैं हमारे देश के, क्या वो सारे एक जैसे हैं? क्या सब में एक जैसा डेवलपमेंट होता है? बिल्कुल भी नहीं, कोई राज्य पीछे है तो कोई बहुत आगे है, ऐसा। जबकि आज का जो टाइम है हम देख रहे हैं कि एक टाइम पर है, ठीक है, अगर हम सिर्फ आज की जैसे 2018 की या 2019 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है कि भाई ये एक साल है और इसी एक साल के अंदर एक ही देश के अलग अलग राज्यों में कितनी ज्यादा दूरी है, किसी का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत कम है। तो बिल्कुल वैसा ही इस टाइम में है, किसी का कोई एक टाइम में एक रीजन आपको ऐसा दिखेगा जहां पे अभी ओल्ड स्टोन एज चल रहा है और दूसरी तरफ कोई ऐसा होगा जहां पे न्यू स्टोन एज आ गया, या फिर शायद जहां पे मेटल एज आ गया है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो डेटिंग है प्री हिस्टोरिक पीरियड की वो कैसे होती है? पहली बात, हर एक चीज साइंटिफिकली होनी चाहिए और हर एक चीज के लिए हमारे पास फैक्ट होनी चाहिए प्रॉपर कि हाँ ये चीज है इस टाइम में हुई है और ये इसके हमारे पास फैक्ट है। तो ऐसे आप फैक्ट के बेसिस पे बात करते हैं। तो जो टेक्निक है, जो साइंटिफिक टेक्निक जिसे हम यूज करते हैं, वो है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग को कॉमनली यूज किया जाता है इस पर्पस के लिए, जिसके द्वारा हम किसी भी प्री हिस्टोरिक पीरियड के कोई सामान है, कुछ भी है, तो उसकी डेटिंग करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं कि ये इस तारीख को बना होगा या इस तारीख का है, ये इस टाइम पीरियड का है। ठीक है,
अब यहाँ आप ये ध्यान रखिए कि ये जो रेडियो कार्बन डेटिंग वाली बात है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। इस कोर्स की शुरुआत में हमने वो सारी बातें करी हुई थी, और अगर आपने वो लेसन शुरुआत के नहीं देखे, शुरुआत के सेकंड या थर्ड लेसन में इस कोर्स की वो हमने वो बात की थी रेडियो कार्बन डेटिंग एंड ऑल, तो वो आप दोबारा देखिए, आपको याद आ जाएगा। अब इसके बेसिस पे क्या करते हैं हम, रेडियो कार्बन डेटिंग में बेसिकली ये होता है कि हम जो कार्बन है उसका लॉस मेजर करते हैं, ठीक है। कार्बन जो डिके होता जा रहा है एक ओवर अ पीरियड, उसको हम देखते हैं कि वो कितना ज्यादा डिके हुआ, कितना लॉस हुआ, और उसके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल का जो टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तरीका होता है रेडियो कार्बन डेटिंग का। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं, बट वो जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब शुरुआत करते हैं हमारी ओल्ड स्टोन एज की, यानी कि पेलियोलिथिक की। अब पेलियोलिथिक जो पीरियड है, इस पीरियड में कई सारी साइट्स हैं, ठीक है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वेरियस पार्ट्स, बहुत सारे। अब आपको याद होगा कि इंडिया अलग होता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलग होता है। पिछले लेसन में हमने बात की थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, अगर आपको ध्यान हो तो वहां मैंने आपको बताया था कि उसमें और जो हमारे आसपास की कुछ नेबरिंग कंट्रीज है वो इंक्लूडेड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और वो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें हम ये बात कर रहे हैं पुराने टाइम की, जब पूरा भारत जो है, ये भारत जो हम जिस भारत की बात कर रहे हैं वो सिर्फ आज का भारत नहीं है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें भूटान भी शामिल है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि पहले भारत का ही हिस्सा थे और आज भी वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है। सब कॉन्टिनेंट, तभी तो हम इसको कह रहे हैं सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब ये जो साइट्स हैं, आप ज्यादातर देखेंगे कि पानी के आसपास, वाटर सोर्सेस के आसपास लोकेटेड थी। और कई बार क्या होता है कि जहां पे केव्स वगैरह होते थे वहां पे ऐसे बहुत सारे साइट्स डेवलप हो जाते थे, क्योंकि ये लोग केव्स में ही तो रहते थे, रॉक शेल्टर्स में ही तो इनको घर मिलता था, सब कुछ इनका वहीं पे होता था। और यहाँ पर रहना और पानी के आसपास क्या है, जानवर आएंगे तो जानवरों को पकड़ना आसान हो जाएगा, तो ये सारी चीजें जो है ये लोग कर रहे हैं, तो इस तरह से ये लोग फैले हुए थे। ये लोग हम देख रहे हैं कि मुश्किल से ही कोई ऐसा साइट मिला हो या कोई ऐसा हो जो कि हट्स में, जैसे कि झोपड़ियां होती है, झोपड़ी बना करके घास फूस की झोपड़ी में रहता हो, ऐसा कोई भी नहीं था। बहुत मुश्किल से, ना के बराबर झोपड़ियों में ये लोग नहीं रहते थे, ये लोग रहते थे केव्स में, ठीक है, शेल्टर्स में, रॉक शेल्टर्स में। तो ऐसी फेमस साइट्स हैं हमारी ओल्ड स्टोन एज की, जो कि आप इस मैप में देख सकते हैं इंडिया के। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मेन सी मेजर जो साइट्स हैं और कहाँ कहाँ हैं। वैसे ये पेलियोलिथिक साइट्स हैं इंडिया की, ये मैप है, ये आपको देखना है। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ साइट्स का नाम क्या है। एक तो सोन वैली है, ठीक है, सोन वैली एंड पोटवार प्लेचू ऑन दी नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। शिवालिक हिल्स हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ हिल है नर्मदा वैली में, कुरनूल है आंध्र प्रदेश में, कुरनूल केव्स, और अतिरम्पक्कम है जो कि चेन्नई के पास है। ओल्ड स्टोन एज में जो फूड है, जो खाने पीने की जो व्यवस्था होती थी वो कैसे होती थी, हंटिंग के द्वारा। ये लोग स्किल्ड हंटर और गैदर थे, इनको चीजों का पता था कि भाई कौन सी चीज जो है वो खाने लायक है, कौन सा प्लांट है जो एडिबल है, जो खाने योग्य है, कौन से पेड़ की जड़ है जो हम खा सकते हैं, कौन सा फ्रूट हम खा सकते हैं, क्या जहरीला है, क्या हमें नहीं खाना चाहिए। इसीलिए हम इन्हें स्किल्ड हंटर और गैदरर कह रहे हैं, साथ ही ये शिकार करना भी जानते थे, तो इन्हें हम हंटर गैदरर्स कह सकते हैं। ये स्टोन टूल्स का यूज करते हैं, और ये जो स्टोन टूल्स है ये हैंड साइज्ड है, और कई बार ये छिल छिल के पतले पतले स्टोन टूल्स बना लिया करते थे, जिससे कि ये शिकार भी कर पाएंगे और अपने लिए कुछ और भी काम है तो उसे वो पूरा कर पाएंगे। तो ये है, और ध्यान रखें कि ये जो स्टोन इम्प्लीमेंट्स का ये जो यूज कर रहे हैं, जिससे ये बना होता था, ये बनता था एक हार्ड रॉक से जिसका नाम है क्वार्ट्ज़िट। क्वार्ट्ज़िट इस पत्थर का यूज करके ये स्टोन टूल्स बनाते थे, ये नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा पेलियोलिथिक पीरियड। इसमें भी जो है तीन पार्ट है इसके, ठीक है, इसके अंदर भी मिडल पेलियोलिथिक है, न्यू पेलियोलिथिक है, बट हम उसको इतना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हमारा वो हिस्सा नहीं है, हम बस इतना पेलियोलिथिक है इतना कवर करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पेलियोलिथिक साइट्स देख सकते हैं इंडिया की, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेलियोलिथिक के भी अलग अलग पार्ट हैं, लोअर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, ठीक है। तो ये हमारा ये कुछ हिस्से हैं, इसमें से कुछ कुछ ऐसे हिस्से थे जहाँ पे हर प्रकार के, यानी कि अपर लोअर सारे थे, ठीक है। यहाँ पे आप इस मैप में देख सकते हैं बहुत सारे इस प्रकार के आपको अलग अलग जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मैप है, ये आप गूगल से भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप
देखिए भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, आदमगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ये सब साइट्स आपको मालूम होनी चाहिए कि कहाँ है, कौन से इलाके में है। अगर नॉर्थ इंडिया में देख रहे हैं तो वो कौन कौन से इलाके में है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नदियों के आसपास ये बसे हुए थे, कौन सी घाटी में ये लोग रह रहे थे, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अट्टपक्कम की हम बात कर रहे थे जो कि चेन्नई के पास है, वो ये रहा, यहाँ आप देख सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी हमने डिस्कस की थी, आप यहाँ पे इस मैप में ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी साइट, नाम गांव वगैरह सब दिख जाएगा, ठीक है। तो ये साइट्स थी। अब ये लोअर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक सारी है इस मैप में, ये आप देख सकते हैं आराम से। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जूम करके आराम से इसको बैठिए, पढ़िए और देखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, पेलियोलिथिक हमारा कवर हो जाता है इस चैप्टर के साथ, बाकी की चीजें हम अगले लेसन में कवर करेंगे। और